यदि ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट जो 1560 का लेवल भी आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि बॉटम ब्रेक होता है तो ये आपको इसका जो 50% जो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि HDFC बैंक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि HDFC बैंक के अंदर जो पैटर्न बन रहा था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट था 1530 का था। देखिए यदि ये मैं आप लोगों को इसका पैटर्न यदि एक्सप्लेन करूं, तो इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था कि डेली चार्ट के अंदर इसके अंदर एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है, और यदि इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से ये जो हाइट है ये आपको आने वाले टाइम में यहाँ तक अचीव होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो अब क्या है कि डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ये 200 EMA आ गया है और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ 50 EMA है जो कि 1530 के आसपास दिखाई दे रहा है। और यदि आप इसको वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर 50 EMA का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि 1536 का लेवल है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है, इससे पहले हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन लिया हुआ है, तो ये क्या है एक रेजिस्टेंस लेवल भी दिखाई देता है। यदि इसके ऊपर निकलता है तो आने वाले टाइम में इसके नीचे भी ये आने के पूरी संभावना है। और यदि आपको यदि फ्रेश एंट्री करनी है तो वो आप कहाँ कर सकते हैं, तो आज देखिए ये जो गैप अप ओपन हुआ है, हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए ये नीचे आए, और यदि फर्स्ट पंद्रह मिनट का जो हाई बनता है उसका यदि ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट जो 1560 का लेवल भी आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि बॉटम ब्रेक होता है तो ये आपको इसका जो 50% जो लेवल है इसको भी अपने मार्क कर देते हैं। सबसे पहले तो ये सारे लेवल क्लियर कर देते हैं और फ्रेश लेवल में मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो 50% का जो लेवल है वो करीब यहाँ कहीं रहने वाला है। तो 1515 के आसपास आपको यदि ये एंट्री का मौका देता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका प्लान एवरेज करने का हो और थोड़ा यदि स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ टाइम यदि आपको होल्ड भी करना हो तो आपको एवरेज जो है और यदि ये करेक्शन में मिलता है तभी करना चाहिए। बाकी यदि आप इंट्राडे करते हैं तो वही जो हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि 15 मिनट का जो टॉप होता है वो यदि ब्रेक होता है तो आपको नेक्स्ट जो लेवल है वो 1550-1560 का भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये 1515 का जो लेवल है अभी जो मैंने मार्क किया उसको ये रीटेस्ट करके ऊपर गया है, तो इसका मतलब अभी भी ये बुलिश है। लेकिन यदि इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो सपोर्ट जो बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये जो रेड लाइन है ये आपको ऊपर शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी और ये 50 EMA का सपोर्ट लेकर बाउंस भी दिखा सकता है। तो कल के दिन आप इस तरह से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीकली चार्ट जो है, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को वीकली कैंडल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आने वाले वीक में क्या प्राइस एक्शन होगा उसको अपने फर्दर जो है आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।